देवी, आपसे एक सवाल है, पाकिस्तानी कौम की क्या क्या खामियां और वो इस साल में क्यों है? जी तो बड़ा अच्छा आपका सवाल है कि पाकिस्तानी कौम की क्या क्या खामियां हैं, हम इस साल में क्यों हैं। यार देखो, अजीम कौमें वो होती है ना जो कि सबसे पहले एड्रेस करती है अपनी खामियों को। हमेशा दुनिया में जितनी कौमें अजीम कौमें बनी हैं, उन्होंने सबसे पहले अपने मसाइल को आइडेंटिफाई किया है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम से पहले आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो करें ना कि प्रॉब्लम है क्या, फिर आप सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। अगर आप बीमार होते हैं और बीमारी आपको जो है अल्लाह ना करे किसी भी किस्म के मर्ज में आप मुब्तला हैं, तो पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं ना कि प्रॉब्लम क्या है। आपका खुदा ना खास्ता आपके गुर्दे में तकलीफ है और हार्ट की दवाई तो नहीं खाएंगे। तो हमारा मसला ये है कि हम लोग अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं करते। सबसे बड़ी खामी हमारी है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करते। हमें पता ही नहीं कि हमें साल में क्यों है, हमारी खामियाँ क्या हैं। नंबर टू, हम लोग सच नहीं सुनना चाहते, हम फैंटेसीज में रहना चाहते हैं। हमें अपने आसपास मियां मिठू चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ जो है ना अपनी नहीं हमारी तारीफ़ करें। मियां मिठू तो हमेशा अपनी तारीफ़ करता है ना, हमें वो लोग चाहिए जो कि बटरिंग करते रहे हमारी, हमारी तारीफ़ करते रहे, हमें कहते रहे हम जो कर रहे हैं ठीक करें, चाहे हम किसी भी मनसब पर फाइस है। आप कभी देखें अरबाब इख्तियार में से किसी भी अरबाब इख्तियार को, ओवरऑल आप पूरे 70-72 साल की हिस्ट्री निकाल लें। हमेशा एक साइकोलॉजिकली आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 70-72 साल की आप हिस्ट्री निकालें, आप अरबाब इख्तियार को देख लें जो बड़े बड़े मनसब में फाइज होते हैं और जिनके बारे में आम तासुर ये होता है कि ये जुल्म कर रहे हैं, लोगों पे जुल्म कर रहे हैं। लेकिन जब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, जब वो बोल रहे होंगे, आप उनको सुनेंगे, आपको ये तासुर नज़र ही नहीं आएगा कि वो उनको इस बात का पता है कि वो जुल्म कर रहे हैं। क्योंकि उनके आसपास जो उनके चेले होते हैं ना, वो हर वक्त ये बता रहे होते हैं क्या बेहतरीन आपने फैसला किया। वो कहे जी बंदे काट दो, कहेगा क्या बेहतरीन फैसला किया आपने, वाह ज़बरदस्त क्या किया। तो जितने फैसले वो दे रहे होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो बटरिंग कर रहे होते हैं और वो कॉन्फिडेंस दे रहे होते हैं कि आपका फैसला बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल जो है हमारी हर एक पूरे की पूरी कौम के लिए बड़ा बेहतरीन फैसला है। तो आप ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट देखें। अब जो लोग आसपास के चेले होते हैं, उनको पता होता है कि गलत हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं अपनी नौकरियां बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को गुड बुक्स में रखने के लिए, वो सिर्फ यही कह रहे होते हैं आपने सही किया। क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनको नहीं कहना होता, किसी भी अरबाब इख्तियार को नहीं कहना होता, अरबाब इख्तियार कोई ना कोई बदलते हैं, नए अरबाब इख्तियार आते हैं, चेले तो वही होते हैं, वही चेले फिर उनको कहना शुरू कर देते हैं। आप 70-72 साल की तारीख पाकिस्तान की भी देख लें, आप मुगलिया सल्तनत की भी तारीख देख लें, ओवरऑल आप देख लें जिस जिन कौमों का डाउनफॉल था, आप देख लें कि वहाँ पे जो अरबाब इख्तियार थे, जो हुक्मरान थे, उनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ सरजद हुई थी। और जब उनकी बॉडी लैंग्वेजेस देखी जाती थी तो यही तासुर होता था कि उनकी अपनी मेन साइकोलॉजी में वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्योंकि वो कभी एड्रेस ही नहीं करने वाला उनको कोई था, बताने वाला कोई नहीं था जब उनके दौर में कि आप गलत कर रहे हैं, आसपास बटरिंग करने वाले लोग होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ठीक है, हमारी कौम का मसला ये, कोई भी अरबाब इख्तियार किसी भी मनसब पे फायज होगा तो आसपास वाले कभी भी नहीं बोलेंगे जी उन्होंने कुछ गलत किया, वो कहेंगे आपने बड़ा ठीक किया है, सबसे पहला प्रॉब्लम। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम आपस में एज अ सोसाइटी वगैरह हम देखें, सारे नहीं लेकिन अक्सर हमारी कोशिश होती है कि हम डोमिनेंट रहने की कोशिश करते हैं, हम कमज़ोर को दबाते हैं, डोमिनेंट रहते हैं। हम में से कोई भी, मैं हूँ, आप है, मैं और आप सामने, अगर आप ज़्यादा ताकतवर हैं और मैं आपके खिलाफ कुछ बोलता हूँ तो आप मुझे डोमिनेट करेंगे, आप मुझे किसी तरह क्रश करने की कोशिश करेंगे। और अगर वाइस वर्सा, आप अगर मेरी बात से एग्री नहीं करते और आप मुझसे नीचे हैं, और अगर आपके कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे मुझे फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, तो मैं आपको जो है क्रश करने की कोशिश करूंगा। तो ये भी एक मसला है हमारी इस पर्टिकुलर इस कॉम में, ये मसला है ज़्यादातर लोगों में, क्योंकि हम हमेशा जो है अपने से नीचे वाले लोगों को बजाय अपने तक लेकर आए, अपने से ऊपर जाता हुआ देखें, हम उनको जो है क्रश करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं दूंगा, कहीं भी दो लोगों की लड़ाई हो जाए ना आपस में, मैं इस्लामाबाद में इस वक्त बैठा हूँ, आप पंजाब की बात कर लें, कहीं पर भी किधर भी बात कर लें, पंजाबी की बात करूँ कि पंजाबी लैंग्वेज की बात करूँगा, खाली बाकी एथनिसिटीज़ में भी ऐसा ही है, खाली कोई लड़ाई हो जाए, खाली पहली जबान ही होती है जी तन पता नहीं मैं कौन हूँ, तू जानना नहीं मैनू मैं कौन हूँ, मैं वो तेरा हाल कर सके तू याद कर सें। अब ये एक नॉर्मल एक रिएक्शन आता है, आप किसी तरह आप के पी के में चले जाएँ, वहाँ पे भी जब दो लोगों की लड़ाई हो तो लोग ही कहते हैं कि पश्तों में बोलेगा जी कि मुझे आप नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, आप इसी तरह दूसरे शहरों में चले जाए तो ये प्रॉब्लम है हमारे साथ। अभी यहाँ पे बैठे बैठे दो लोग लड़ पड़े तो एक जरूर बोलेगा जी आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं तेरा क्या कर सकता हूँ। ये एलिमेंट है, ये माइंड सेट है जो कि क्रश करने के लिए होता है, सबसे बड़ी खामी हमारी ये भी है। तीसरी हमारी सबसे बड़ी खामी ये है कि हम अपने हीरोज़ को जो है वो ऑनर नहीं करते। जो कौम अपने हीरोज़ को ऑनर नहीं करती ना, उनका हाल बहुत बुरा होता है। हमने अपने बड़े बड़े हीरोज़ को जो है ना वो बड़ा ख़राब किया है, बहुत ज़्यादा हम टांगे खींचते हैं। कोई भी आगे जा रहा होता है ना, तो बजाय ये कि उसमें खुश हो, हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कि आगे क्यों है, क्योंकि हमने उसकी टांग खींचनी होती है। और हम अपने एक
अपने आप को तसली दे रहे होते हैं कि यार ये तो फ्रॉडिया बंदा है। वेल, यूट्यूब इकॉनमी की बात करें, बड़े बड़े यूट्यूबर जो बड़े सक्सेसफुल है, लोग उनको नहीं कहते कि जी माशाल्लाह सक्सेसफुल है, एंटरप्रेन्योर उनको नहीं कंसिडर करते, बस रोते ही रहते हैं जी ये तो फलाने तो नाश्ता रहता है जी ये इसलिए फेमस है, ये फलाना ही तो फ्रॉडी है, ये रियल स्टेट वाला तो फ्रॉड करता है इसलिए फेमस है। हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि यार हमने मेहनत नहीं की और दूसरे ने मेहनत की भागे चला गया, हम मानने के लिए तैयार ही नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए तैयार है कि जी सरकार खराब है, हम दूसरा बंदा खराब है, वो फ्रॉडी है, वो नाश्ता रहता है, वो गाता रहता है, बस हमने कभी खुद कुछ नहीं करना और अपने आप को अपने तसल्ली देते रहने। और जब ये बात मैं अपने दोस्तों में भी करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा माइंडसेट मुझे उनमें भी नजर आता है, हालांकि काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा सबसे बड़ा मसला ये तो अपने हीरोज की हम कदर नहीं करते। और जो लोग अपने हीरोज की कदर नहीं करते, जो अपने हीरोज की लेग पुलिंग करते हैं, हीरो से मुराद जो आपको नेशनल लेवल पर जाके जो आपको जो है इज्जत बख्शे, आपकी दुनिया में इज्जत करवाए, जब उनकी लेग पुलिंग करते हैं तो हालात यही होते हैं। दो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में 10 अल्लाह हाफिज़।